नगर निगम परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की लंबी समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारी नेताओं ने लखनऊ के रुख अपनाने का मन बना लिया है। आगामी 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने लखनऊ में शासन के नेताओं के साथ इस समस्या के निराकरण को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों ने नवीनीकरण, नियमितीकरण और पुरानी पेंशन बहाली जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम में लंबे समय से चली आ रही सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने एक बड़े आंदोलन के रूप में तैयारी करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 6 अगस्त को तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा एक बैठक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आहूत की जा रही है, जिसमें कर्मचारियों के नियमितीकरण, नवीनीकरण और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बताते हैं कि लंबे समय से शासन और प्रशासन स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कर्मचारियों के हित में आने वाली योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। विगत वर्ष में महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इस बार आगामी 6 अगस्त को एक बैठक का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों की मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू की जाएंगी। महासंघ के संरक्षक हरिबाबू वाल्मीकि ने बताया कि कर्मचारियों के हित में महासंघ हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस बार भी कर्मचारियों की लंबी चली आ रही मांगों को लेकर महासंघ की ओर से विभिन्न संगठनों द्वारा एक बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मानित पत्रकार महोदय, मेरा नाम विनोद लावादी है, प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। हमारे यहाँ 6 अगस्त को एक प्रदेश का समिति की बैठक होने जा रही है, जो लगभग 15 वर्षों से हमारे निकाय कर्मियों की जो समस्या है उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए मुख्य सचिव जी को कि इनकी बैठक बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनकी मांग पूर्ति की जाए। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने नगर विकास सचिव को बैठक करने के निर्देश दिए। हमारी बैठक कोई लगभग 1.5 साल होने को आई, उसकी भी कार्यरत की कॉपी अभी तक जारी नहीं हुई है। नगर निकाय के कर्मी परेशान होकर फिर दोबारा से बने, क्योंकि चुनाव आ गए थे, चुनाव में हमें आश्वासन मिला था कि सारी मांगे हो जाएंगी, मगर 1 साल होने को आई है, 90 दिन का उनका टारगेट था वो भी पूरा हो गया। अब उन्हें हमने आंदोलन के लिए लखनऊ में बैठक रखी, जिसमें पूरे प्रदेश के निकाय के जो प्रतिनिधि हैं सभी संगठनों के बुलाए गए और एक बड़ा आंदोलन उसमें दिया जाएगा। जो प्रमुख रूप से जो समस्या है वो है पुरानी पेंशन। एक तरफ सांसद और विधायकों को 3-3 पेंशन मिल रही है और यहाँ औसतन 30-40 वर्ष सेवा देने वाले को एक पेंशन नहीं, ये क्यों? सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति लगभग 25 वर्ष हो गए, 25 साल से सफाई कर्मियों की पदोन्नति नहीं हुआ। अभी शासन का निर्देश है कि सितंबर तक पदोन्नति की जाए, मगर आज तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ पदोन्नति के लिए। हम भी 20 बार ज्ञापन दे चुके हैं, काफी लंबे समय से आप लोगों की मांग चली आ रही है, लेकिन शासन स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। किसको दोषी मानते हैं आप? हम इसमें दोषी शायद मैं तो यही कहूंगा कि इसमें सरकार और शासन दोनों ही दोषी हैं। हमारे साथ मूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है शासन को कि इनके मांगे पूरी करो और हमारी बैठक होती है, बैठक होने के बाद कार्यरत की कॉपी क्यों नहीं जारी हो रही है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्मचारियों को नामर्द समझ रहे हैं और अब कर्मचारी किसी भी रूप में चुपचाप नहीं बैठेगा। 6 तारीख को एक लंबे आंदोलन की घोषणा होगी और एक ठोस आंदोलन की घोषणा होगी, उसमें हो सकता है हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, हड़ताल जैसा प्रमुख मुख्य जो हथियार है हम वो भी चला सकते हैं। टारगेट की आशा में कर्मचारी आयोग के सदस्य मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ सहयोग मिलता है? हमने राज्य सफाई कर्मचारी के जो आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन पर भी अपना जो प्रतिवेदन दिया। हमारे जितने भी चुनाव से पूर्व जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्रियों को भी हमने अपना प्रतिवेदन दिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। और जो है 6 तारीख को जो लखनऊ में मीटिंग होने जा रही है, जैसा कि मुझे वरिष्ठ उपाध्याय जी ने बताया
उस बैठक में मुख्य मुद्दा है, एक तो जो पारिवारिक पेंशन पुरानी पेंशन, एक वही विकल्प है कि जब बुढ़ापे में बेटा भी साथ छोड़ देता, बहू भी साथ छोड़ देती, पत्नी भी डेथ हो जाती है, उसका एक विकल्प है केवल पेंशन। वो एक डंडे का सहारा बनती है, एक जीविका का सहारा बनती है पुरानी पेंशन। शासन से संगठन द्वारा मांग की थी, चुनाव से पूर्व मांग की थी, और दूसरे पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम स्थानीय निगम मंत्री से भी हम लोग मिले थे पूर्व में, उससे मांग की थी मृतक आश्रितों की नियुक्ति। चार चार साल हो रही है नगर निगम में, लेकिन नगर पालिकाओं में मृतक आश्रितों का बहुत बुरा हाल है। उनका एक ही विकल्प था जो वेतन मिलता था, पति या पिता। अब उनके देहत होने से वो विकल्प खत्म हो गया, चार चार साल नौकरी नहीं मिलेगी, कर्मचारी क्या खाएगा, भुखमरी का शिकार हो रहा है कर्मचारी, उस बच्चे शिक्षा नहीं ले पाया, स्कूल से बैठा दिए गए हैं। ये मुद्दे जो है उच्च स्तरीय की मीटिंग में जोर शोर से उठाया जाएगा। किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी आगे? रणनीति ये है, माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया और हमारे माननीय अध्यक्ष शशिकांत मिश्रा जी जो समय समय में सरकार को अपना अपने माध्यम से अपने नेतृत्व में प्रतिवेदन देते रहे हैं, और चुनाव से पूर्व समस्त प्रतिनिधियों को, विधायक सांसद मंत्री सबको ज्ञापन दिया अपनी मांगों का, लेकिन किसी ने भी कान पे कोई जोर नहीं रहनी है। अब केवल यही है कर्मचारियों को एक कड़ा आंदोलन उठाया पूरे प्रदेश में, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो फोर्थ क्लास हो, थ्री क्लास हो, या अधिकारी हो, अपनी मांगों को लिए एक कड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जो सरकार प्रशासन के विरुद्ध होगा, उनके खिलाफ होगा। एक आंदोलन रणनीति बनाई जा रही है और छह तारीख को विरोध इलाहाबादी के नेतृत्व में यहाँ से लोग मीटिंग में शामिल होंगे। मुझे आशा है, और मैं लास्ट में समस्त पत्र बंधु और मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, समय समय पर हमारी मांगे हमारी बात बड़ी जोर शोर से उठा है, उसमें बार बार प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।